हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 68वीं बीपीएससी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आने वाली थी, जो कुछ दिनों से चर्चा में था कि 68वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन कब आएगी। तो आज के दैनिक भास्कर के संस्करण में, पटना के संस्करण में ये न्यूज आई। आप लोग कुछ देख सकते हैं कि पटना से 4 घंटे पहले का है कि इसका नोटिफिकेशन है, जो अक्टूबर के लास्ट में 68वीं का नोटिफिकेशन आएगी। तो इसमें कितनी वैकेंसी रहेगी और किस डिपार्टमेंट कितने रहेंगे, कितने रहेंगे SDM DSP कितने रहेंगे, लेबर इंस्पेक्टर, तो उसके अनुसार से उस अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रोस्टर के लिए BPSC ने अप्रोच किया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कितनी वैकेंसी रहेगी। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं 68वीं BPSC PT के लिए रिक्ति अक्टूबर के अंत तक जारी हो जाएगी। आकलन है कि 68वीं BPSC में भी लगभग 750 से अधिक वैकेंसी रहेगी और 67वीं की तरह आवेदकों की संख्या अधिक होने पर 2 चरणों में परसेंटाइल सिस्टम से ही PT लिया जाएगा। तो ये कन्फर्म हो गया कि BPSC ने जो बोल रहे थे कि परसेंटाइल सिस्टम हट जाएगा और एग्ज़ाम 2 चरणों में नहीं होगा, उसके शायद BPSC ने इस बात को, स्टूडेंट की बातों को नकार दिया और एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में ही होगा 67वीं। आप नीचे देख सकते हैं कि 13 सितंबर तक 67वीं का PT का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, क्योंकि 20 से 22 सितंबर को एग्ज़ाम होना है। तो इसमें 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले तक इनको एडमिट कार्ड जारी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो दिल्ली से अलग अलग जगह से एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनके लिए 1 सप्ताह पहले तक देना अनिवार्य हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका 67वीं का 13 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसका एग्ज़ाम 20 से 22 सितंबर के बीच होगा। 67वीं में 804 वैकेंसी है, तो आप लगभग 10 गुना इसमें PT के लिए लेते हैं तो लगभग 8000 रिजल्ट दिया जाएगा 67वीं में। तो आप इसमें 67वीं में 800 वैकेंसी है और 68वीं में 750 से अधिक वैकेंसी रहेगी, तो आप उसी के अनुसार से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी जो लगभग कितने 25 दिनों का टाइम बचा है, तो आप उसमें जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपको हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना हो, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन हमेशा आते हैं हिस्ट्री में भी। मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ज्योग्राफी में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप लूसेंट या घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी में आप लास्ट के जो लूसेंट में देखते होंगे कि अमेंडमेंट क्या है, कौन सा आर्टिकल है, DPSP है, फंडामेंटल राइट है, ये आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स आपको लगभग 1 सालों के लिए पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और बिहार स्टैटिक और बिहार करंट, क्योंकि पिछली बार बिहार स्टैटिक में दे दिया था कि कौन से धातु कहाँ पाए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको हमेशा एक नोट बना लेना होगा कि कहाँ पे कौन से रोहतास में क्या पाया जाता है। फिर बिहार का सेंसस आपको देख लेना पड़ेगा। तो आपको पांच सब्जेक्ट है उस पर आपको कमांड रहना चाहिए। एक हिस्ट्री होगी, पहला ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तीसरा हो गया पॉलिटी, क्योंकि आपको पॉलिटी में 10-12 क्वेश्चन आएंगे, इसमें हमेशा फिक्स रहेगा 10 में से 8 से 9 नंबर आपको हमेशा आ जाएंगे। तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया, बिहार स्पेशल और करंट, आप इतना कर लेते हैं तो लगभग आपका 110-115 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आपको ये 5 सब्जेक्ट हमेशा कमांड करके रखना है, जिससे कि आपको जो 67वीं में यदि तैयारी में कुछ कमी रह गई तो 68वीं के लिए आप तैयार हो सकते हैं कि 68वीं में 115 से 120 नंबर लाया जा सके, क्योंकि हर समय के साथ इसका कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो 66वीं थी उसकी कट ऑफ 108 गई थी जनरल की और OBC की 104 गई थी। तो आपकी तैयारी उसी के अनुसार ही होनी चाहिए कि कट ऑफ से आपको 4 से 5 नंबर ज़्यादा हो, क्योंकि 2 से 3 नंबर BPSC हमेशा फंसाता है कि कुछ गलती कर दिया, एक ई ऑप्शन में फंस गए हैं। तो आपको उसी के अनुसार से तैयारी करनी है। तो 67वीं का आप देख सकते हैं उसका एडमिट कार्ड 13 सितंबर को आ जाएगा और 68वीं का नोटिफिकेशन है जो अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा, और 68वीं में 750 वैकेंसी है और 67वीं में वैकेंसी है 804 वैकेंसी। तो आप उसी के अनुसार से तैयारी कीजिए। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।